जात होते ही ऐसे हैं, ये किसी के नहीं होते सिवाय अपनी जात के। जब रिश्ता निभाना होता है तो दिल से निभाते हैं, और जब दिल भर जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं हबीब को, आयशा नहीं हूँ मैं, लग पता जाएगा उसे। तुम्हें अपना दिल जलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब मजे ले रहे हैं और तुम यहाँ जली बुनी बैठी हुई हो। तो क्या करूँ? अच्छा मौका था तुम्हारे पास आज, जो गंवा दिया तुमने। पीर बाबा के पास कब लेके जा रही हो? कब से बोल रही हो तुम लेके जाऊंगी? अगले हफ्ते तक वो आएंगे, फिर ले चलूंगी। कर लो अगले हफ्ते का प्लीज। हाँ हाँ वादा, ले चलूंगी। तरीके से जिंदगी गुजारो, आइंदा बाद मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें मैं। खाली मुझे सुनाते रहते, इसको भी कुछ कहा करे बाबा। चुप करो आगे से। मैं कैसे चुप हो जाऊं मां? इसके हिस्से की भी मैं सुनूं, अपने हिस्से की तो मैं सुनता ही रहता हूं। अरे चुप कर जा, कितने हो गया मारे मुझे, जिंदगी तो बर्बाद करी दी है मेरी। बकवास कर रहा है आगे से, जुबान देखो इसकी कितनी चलती है। फाखिर हद होती है, तुम यहां पे बैठे हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारा फोन भी बंद है। चलो शाबाश, बहुत देर हो गई है, अपने कमरे में जाओ आराम करो, एनी भी थक गई होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या अजीब सी बातें कर रही हैं आप भी? मैं अजीब क्या बात है, तुम्हारी शादी हुई है, बीवी है तुम्हारी। यार बस करें। अच्छा चलो 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 शाबाश, चलो अपने कमरे में जाओ। ऐसी हो रही तुझे? क्या हो गया तुम दोनों को? ये अच्छी मुसीबत है ये। चलो अपने कमरे में। यहाँ अपने घर। गुड नाइट फाखर। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ खैरियत से निमट गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी अनी भी कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा अरे आपसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रहे हैं?